हेलो एवरीवन, दिस इज़ द इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ चैप्टर 4 एक्सपोनेंट एंड पावर ऑफ क्लास 8। नाउ व्हाट इज एक्सपोनेंट? इफ़ वी राइट 2 मल्टीप्लाई बाय 5 टाइम, सो वी लाइक राइट लाइक दिस 2 रेज टू द पावर 5। हियर 2 इज़ अ बेस एंड 5 इज़ अ एक्सपोनेंट और इंडेक्स, सो 2 रेज टू द पावर 5 is called exponent form of now power of minus 1. If we multiply minus 1 into minus 1, so answer is 1, because minus minus cancel itself. It means किसी भी negative number की power अगर even हो तो उसका answer positive होता है, और अगर किसी भी negative number की power odd हो तो उसका answer negative form में आता है. Example 1, write the base and exponent of the following exponential form. First part is 5 raised to the power 3. So here 5 is the base and exponent is a 3. Example 2, 7 raised to the power 4. Isme hum 7 ko 4 times into karenge to final answer aayega 2401. Example 3, simplify the following. First part is 3 into 10 to the power 3. So 3 multiply by 10 into 10 into 10. The answer is 3000. Example number 4. Which is the greatest number? 6 to the power 3 or 3 to the power 6? So first we write 6 to the power 3. It means 6 into 6 into 6. 216. And then we write 3 raised to the power 6. So we multiply 3 in 6 time and the answer is 729. So 729 is greater than 216. So final answer is 3 raised to the power 6 is greater than 6 raised to the power 3. Example 5, evaluate minus 1 raised to the power 7. क्योंकि 7 odd number है तो इसका answer minus 1 में आएगा. Second part है minus 1 raised to the power 15, again 15 odd number है तो answer minus 1. And last वाले में minus 1 raised to the power 100, and because 100 is a even number, so the answer is 1. Question number 6, write the following number as a power of 2. So first part is 2, कोई power नहीं है तो हम इसमें 1 लिखेंगे. Second part is 32, तो 32 का हम जब फैक्टर करेंगे तो 2 5 टाइम्स आता है, तो 32 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 5. क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन अ एक्सपोनेंशियल फॉर्म. इसमें हम इनके फैक्टर्स निकालते हैं और फिर उन्हें पावर की फॉर्म में लिखते हैं. फॉर एग्जांपल 343 के जब हम फैक्टर्स करेंगे तो 7 इंटू 7 इंटू 7, 3 टाइम्स 7 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 7 रेज टू द पावर 3. क्वेश्चन नंबर 9 में हमें x की वैल्यू निकालनी है. 3 रेज टू द पावर x इज इक्वल्स टू 243. अब इसमें LHS साइड में x पावर है और 3 बेस है, तो हमें राइट साइड का जो 243 है उसको भी 3 के फैक्टर्स के रूप में लिखना हो कि इनके बेस सेम हो जाए. तो 3 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर 5. अगर बेस सेम होते हैं तो पावर भी सेम होती है, बीच में अगर इजिकल्स टू का साइन होता है तो. सो एक्स इजिकल्स टू 5. ये सेकेंड एग्जांपल देखेंगे. सेकेंड एग्जांपल में माइनस 5 की पावर एक्स है और माइनस 125 है, तो 125 को हम 5 के बेस में शो करेंगे. सो माइनस 5 की पावर एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 5 पावर 3. सो एक्स इजिकल्स टू 3. क्वेश्चन नंबर 10 में हमें प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो 48 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे और फिर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे. तो 2 रेज टू द पावर 4 इंटू 3. डू ऑल दिस एग्जांपल्स इन योर रफ कॉपी फॉर प्राइम. आई होप दैट यू विल बी अंडरस्टैंड. आई विल एक्सप्लेन एक्सरसाइज 4.1 इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.